और कैसे जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। हम आ चुके हैं फिर से कुछ मजेदार मिसले का। और हाँ, आज वाले मिस आपको क्लासिक मैचेस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हाँ भाइयों, आज हम रखते हैं 150 लाइक्स का टारगेट, तो आई होप आप लोग करवा देंगे। अब हम वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। आप पहले विनिंग पावर गेम लगाओ, उसके बाद मैच एग्जिट करो, फिर कोई भी मैप सेलेक्ट करके मैच स्टार्ट करो। आप मैसेज में आई नीड सम रूनिक क्रिस्टल्स टाइप कर पाओगे। अच्छा जी, ऐसा है क्या? चलो ट्राई कर लेते हैं। हाँ भाई, आपकी बात 100% सच है। हम रूनिक पावर मोड वाले मैच को एग्जिट करके कोई अदर मैप खेलते हैं तो आई नीड सम रूनिक क्रिस्टल्स टाइप कर सकते हैं। इसका मतलब ये मैच कंफर्म होता है। स्टेप 1, गेट इन द कार। स्टेप 2, स्विच फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। स्टेप 3, क्लिक पीक। स्टेप 4, क्लिक फायर प्लस गन। आपका कैरेक्टर बिना गन के पिक कर सकता है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? आइए देख लेते हैं। नहीं ब्रो, हम हमारे कार में बैठते ही पिक बटन गायब हो जाता है। इसका मतलब वे में बस्टेड होता है। चिकन वे होने के बाद हमारे सवाल नहीं तोड़ सकते। अरे भाई साहब, ये भी हो सकता है? चलो ट्राई कर लेते हैं। हाँ भाई, आपकी बात बिल्कुल सच है। हम चिकन डिनर करने के बाद आइस वॉल नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब ये मैच कंफर्म होता है। न्यू अपडेट के बाद स्टन ग्रेनेड के अंदर स्कोप ओपन होता है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? चलो ट्राई कर लेते हैं। ना भाई, हम अभी भी स्टन ग्रेनेड के अंदर स्कोप ओपन नहीं कर सकते। उसका मतलब ये मैच लुट गया, बर्बाद हो गया। ओवर एक्टिंग के लिए माफी चाहता हूँ। इसका मतलब ये मैच बस्टेड होता है। अरेना ट्रेनिंग में हम उजी और वेक्टर पर सप्रेसर लगा सकते हैं। स्कॉर्पियन गन लो और उसका सप्रेसर उजी पर लगा दो। चलिए भैया जी, ट्राई कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं। हाँ भाई, आपकी बात 100% सच है। हम स्कॉर्पियन गन का सप्रेसर उजी पर लगा सकते हैं। इसका मतलब ये मैच कंफर्म होता है। अगर आप आइस वॉल पर खड़े होकर इमोट करोगे तो गायब हो जाओगे। हाइला जादू, अब देख लेते हैं ऐसा होता है या नहीं। ना भाई, हम गायब तो बिल्कुल भी नहीं हुए। इसका मतलब ये मैच फंस हो गया, यानी बस्टेड हो गया। आप प्रोन होने के बाद भी कोई भी पावर यूज कर सकते हो। चलिए भाई, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ भाई, हम प्रोन रहकर भी पावर को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये मैच कंफर्म होता है। आप नॉक होने के बाद भी रून क्रिस्टल उठा सकते हो। अरे भाई साहब, ऐसा हो सकता है? चलिए ट्राई कर लेते हैं। नहीं भैया जी, हम नॉकआउट होने के बाद रून क्रिस्टल्स नहीं उठा सकते। इसका मतलब ये मैच बस्टेड होता है। अगर आप स्कूल अपार्टमेंट के टेरेस पर नेट करें और तभी उसके ऊपर आइस वॉल क्रिएट कर दें और साथ में आप भी आइस वॉल के साथ ऊपर जाओगे तो आप हवा में उड़ जाओगे। अरे भाई साहब, लगता है आज मुझे यार सुपरमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। नहीं भैया जी, हम सुपरमैन नहीं बन सकते। इसका मतलब ये मैच बस्टर्ड होता है। आप ट्रेनिंग ग्राउंड में पैन को थ्रो नहीं कर सकते। अच्छा जी, ऐसा है क्या? चलो ट्राई कर लेते हैं। नहीं यार, हम ट्रेनिंग ग्राउंड में भी पैन को थ्रो कर सकते हैं। इसका मतलब ये मैच बस्टर्ड होता है। स्टेप 1, AKM गन लो। स्टेप 2, AKM में रेड डॉट स्कोप लगाओ। स्टेप 3, AKM का स्कोप ऑन करो और फिर क्विक स्कोप से रेड डॉट को हटा दो। इससे AKM का स्कोप अजीब सा हो जाएगा। आइए भाई, ट्राई कर लेते हैं ऐसा होता है या नहीं।
नहीं यार, यहाँ तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये मिथ बस्टर्ड होता है। तो मेरे मित्रों, ये हमारा मिथ बस्टर सीरीज का पार्ट 7 है। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक जरूर करें। अगर आप सपोर्ट करोगे मेरी जान, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए भैया जी, सपोर्ट दिखाओ यार। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और हाँ, अगर आप ऐसे ही मिथबस्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्यारी प्यारी मिथ जरूर लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और फैमिली को भी शेयर कर देने को बोल देना यार, भाई का चैनल है। चलो अब टाइम हो गया है मेरे जाने का, तो मैं विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।